प्रज्ञा सही कह रही थी कि तनु आने वाली है, पर आई क्यों नहीं? तनु, हाय दादी। हाय। आशीर्वाद के लिए बेटा। भगवान करे तुझे वो सब मिले जिसके तू लायक। तेरा राज खुलने दे, फिर लोगों की गालियां पड़ेंगी तुझे। प्रज्ञा कहाँ पर है दादी? वो वॉशरूम में है। प्राची, जरा प्रज्ञा को बुला देना, बोलना तनु मिलना चाहती है। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। तनु, वेलकम होम तनु। वो तुम्हारी गाड़ी ना मैंने पहले से ही देख ली थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आऊं, अदरक वाली तुम्हारी पसंद की। कल ठीक से तुमसे बात नहीं की ना, उसके लिए सॉरी। सोचा आज तुम्हारे साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूं, जिस तरह पहले बातें करते थे वैसे ही। बचा लिया मिताली ने। तनु प्रज्ञा को अभी के साथ देख लेती तो मेरी जान तो खत्म ही कर देती। ऑल गुड? तब बात करते करते चुप क्यों हो गई? बोलिए। मैं और चुप? अरे तुम तो मुझे जानती हो ना, मेरी बातें कहाँ खत्म होती हैं। और वैसे भी अब तो देरानी जिठानी, चलो ना बैठ के चाय पीते हूँ, ढेर सारी बातें करते। क्या बात है, क्या बात है, इस घर में एक एक करके सब बदलते जा रहे हैं, और अब तो कमाल है मिताली भाभी, है ना। किसी और की तरफ लॉयल्टी हो ना हो आपकी, लेकिन अपने लिए कमाल की लॉयल्टी है, इसीलिए अपना साथ कभी नहीं छोड़ती आप, सबके साथ बना के रखती हैं। बैठो तो सही। तनु बैठ ना बेटा। थैंक्स फॉर द टी। अरे पर ऐसे कैसे, मतलब थैंक यू अपनी जगह पर है, लेकिन चाय भी तो खत्म करनी होगी ना। मुझे प्रज्ञा से मिलना है, पता नहीं क्या कर रही है वो इतनी देर अंदर। क्यों ना दादी, मेरे होने वाले ससुराल में कोई बाहर की औरत इतना टाइम स्पेंड करे ना, मुझे ही पसंद नहीं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों ना आलिया, जब तुम मुझसे बात करती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। What's happening here? And what is she doing here? क्या बात है? घर के सारे लोग घर के बाहर हैं, लेकिन जो घर की नहीं है वो घर के अंदर है। Where is प्रज्ञा? अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। कैसे हो अभी? अभी आप उससे कुछ मत कहना। एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पहले उसे बोलने दो फिर रिएक्ट करना। ऐसी क्या बातें चल रही है? अभी तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो अब उसके लिए केस करोगी मुझ पर? नाइस, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छी बात है, यू नो, सीरियस बातों से पहले थोड़ी फनी बात होनी चाहिए। प्रज्ञा कहाँ थी तुम? मैं यहीं थी, तुम्हें बुलाया था ना यहाँ मिलने के लिए, इसलिए यहाँ आई थी। शी इज राइट, मैंने इसे यहाँ पे बुलाया था, और मैं चाहती तो इसके घर पे जाके भी इससे बात कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि आप सबको पता चले कि मैं अभी के बारे में कितना अच्छा सोचती हूँ। अभी मैं तुम पे यहाँ कोई नया केस नहीं करने आई हूँ, इनफैक्ट जो पुराना केस है उसे वापस लेने आई हूँ। दादी भी यही चाहती है कि मैं तुम्हें कोर्ट केस से आज़ाद कर दूँ। अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम अंदर में बाहर, ऐसा कैसे होगा? अगर दादी नहीं भी चाहती ना तब भी मैं ये कोर्ट केस वापस ले लेती, और यही ऑफर मैंने प्रज्ञा को भी दिया था कि अभी से मेरी शादी करवा दे तो मैं अभी को कोर्ट केस से आज़ाद कर दूँगी, लेकिन प्रज्ञा ने तुमसे बात ही नहीं की। हाउ सेल्फिश। एंड यू नो दादी, जब आपने मुझे अभी से शादी करने का ऑफर दिया तो मुझे आप पे भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब आपने मीडिया के सामने मेरा और अभी का रोका करवाया तब मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ, और फिर फैमिली के जेन्युइन रिएक्शन देखे शादी को लेकर तो और ज़्यादा यकीन हो गया कि आपकी दिलो ख्वाहिश। और फिर शादी की बात सुन के थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, बिकॉज आई एम अ वुमन बट आई एम नॉट अ स्टूपिड वुमन। आप सब लोगों को वो मिल रहा है जो आप लोग चाहते हो, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि कोर्ट हियरिंग में अगर मैंने ये कोर्ट केस वापस लिया तो अभी तो सेम डे छूट जाएगा, लेकिन उसे प्रज्ञा से छुटकारा नहीं मिलेगा। आई मीन अगर अभी फ्री हो गया तो प्रज्ञा उसे क्यों छोड़ेगी? आई मीन ये दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैं तो क्या कानून भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। तो अगर आप सब लोग चाहते हैं कि अभी इस कोर्ट केस से आजाद हो जाए तो जिस दिन हियरिंग है, आई मीन जिस दिन मेरी और अभी की एंगेजमेंट है, अपने हाथ में रिंग देखने से पहले डिवोर्स पेपर्स पे मैं प्रज्ञा के सिग्नेचर्स देखना चाहती हूँ।
क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, इतने शॉक रिएक्शन? देखिए दादी, अगर आप चाहती हैं कि मेरी और अभी की शादी हो, तो ये शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक अभी और प्रज्ञा शादीशुदा है। ये क्या बोल रही है मॉम? Such a big... I will never accept you as my father. You know what, Riya? मुझे एक्सेप्ट करने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए रियलिटी एक्सेप्ट करना। और मैं कोई 18 साल की बच्ची नहीं जो अपने कल के सपने सजाए, थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी हूँ। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए मरे जा रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगेगा बिकॉज मैं अभी लव्स यू प्राची। रिया से जो मैं बात कर रही थी, तुम्हें एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी क्योंकि तुम सीधा अपनी माँ के साथ अपने घर जाओगी। ए प्रज्ञा, बस अब बहुत हो गया। हाँ, उसे जितना सुनाना था ना उसने सुना दिया, अब सुनाने की भारी हमारी है। तुम पकड़ो मेरा हाथ, चलो मेरे साथ उसके सामने, तुम्हें उसकी असली जगह दिखाता और उसे तुम्हारी जो कि मेरे दिल में है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता प्रज्ञा, और ये बात तनु को बताना बहुत जरूरी है। What? क्या हुआ? मैं नहीं देने वाला मैं कोई डिवोर्स विवोर्स। देखो लाइफ में हम कई बार अलग हुए हैं पर डिवोर्स कभी नहीं हुआ है ना, तो जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा वो? देखो जाकर उसे बता देंगे ना, ये सारा शादी जो था वो एक प्लान था उसे फंसाने के लिए। नहीं प्रज्ञा, तुम समझ नहीं रहे हो, लाइफ इज नॉट अ गेम ऑफ चेस। जहाँ पर तुम एक दाव खेलो, फिर वो एक दाव खेलेगी, उसके बाद हम एक दाव खेलेंगे। नहीं खेलना ना कोई आखिरी दाव, उसे फंसाने के चक्कर में हम खुद फंसते जा रहे हैं। हम एक केस कोर्ट में लड़ लेंगे ना, हम जानते हैं सच क्या है, सच हमारे साथ है ना, सच की जीत होगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं उसके सामने नहीं बताना चाहता कि हमारा प्यार कमजोर है, क्योंकि हमारे प्यार में बहुत ताकत है। हम ऐसे ही थोड़ी ना अलग होंगे, और ये बात तनु को बताना जरूरी है। और जो आंसू उसने तुम्हें दिए ना, उसका बदला लेना जरूरी है। तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ? मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा प्यार, हमारा परिवार, सच्चाई हमारे साथ। मैं जानती हूँ कि आपने कोई रेप नहीं किया, मैं भरोसा करती हूँ आप पे क्योंकि मैं प्यार करती हूँ आपसे। लेकिन कानून तो सबूत मांगता है ना। हम प्यार परिवार देख रहे हैं, कानून नहीं दिखेगा। कानून सबूत मांगता है और हमारे पास तनु के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं। आपकी बेगुनाही का सबूत जब कोर्ट मांगेगा तो हम क्या दिखाएंगे? और तनु के लॉयर ने ऑलरेडी आपके अगेंस्ट इतने सबूत दिखा दिए, इनफैक्ट जज ने तो आपको कल्प्रिट मान भी लिया था। और परसों अगर कोर्ट में हमने कुछ नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है। तो जेल, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है। मैं भी आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती, मैं जिंदगी भर आपके नाम का कुमकुम लगाना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको जेल में भी नहीं देख सकती। सिर्फ मेरे पति नहीं है आप, किसी के पिता हैं, किसी के पोते हैं, किसी के भाई हैं। आपकी जगह इस घर में है, जेल में नहीं। जिस तरह मेरी जगह इस घर में है ना, और जिस तरह तुम मुझे इस घर में देखना चाहती हो ना, उसी तरह मैं तुम्हें इस घर में देखना चाहता हूँ। और तनु हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी, मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। I won't. मम्मी यार, मम्मी मत करो ना यार, प्लीज यार। आर्यन यार, इट्स मी ब्रो। और अब तू कौन है, कहाँ है, ये सब मत करना, क्योंकि मेरे को पता है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तेरी कोई याददाश्त नहीं गई है, समझा? याददाश्त नहीं गई है, बिल्कुल भी नहीं गई मेरी याददाश्त ब्रो। लेकिन तू जानता है ना मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जिसको सुबह सुबह लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सुबह सुबह कॉफी बहुत पसंद है। तो अगर तूने एक और वर्ड बोला ना अभी इस टाइम पे, तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा यार सुबह सुबह। आई लव यू ब्रो, आई लव यू टू। लेकिन इस सुबह सुबह का मेलो ड्रामा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार। हाँ, और तुझे अपने जो प्यार दिखाना है वो किसी ऐसे इंसान को दिखा जिसको उसकी जरूरत है। अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे को कॉफी का कप दिखा जिसको उठ के ना, इसको सूंघ के, इसको पी के मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ। तेरा कॉफी के बिना सुबह सुबह कुछ नहीं होता ना? कुछ भी नहीं होता भाई, मेरा दिमाग नहीं चलता यार कॉफी के बिना। एग्जैक्टली, इसलिए तेरे को पता है ये मेरा फेवरेट टाइम है। क्यों? यू नो व्हाई?
Because you're too slow, bro. You're too slow, bro. दिमाग स्लो है मेरा, लेकिन मेरे हाथों में अभी भी बहुत तेज है। अबे तेरी तो। अच्छा आप देखो। रिया तुम कुछ नहीं कर सकती। जी? So please. This is not done. वो मेरे डैड है, and I have all the right to speak for my own father's wedding, okay? बात तुम्हारे right की है ही नहीं रिया। बात वो है जो तुम करोगी या नहीं। और ये शादी शादी है ही नहीं। ये शादी एक डील है। Absolutely right. You know, आलिया, जब भी मैं तुम्हें अपनी साइड देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना तुम मुझे जानती हो, जितना समझती हो, उतना तो शायद मैं खुद को भी नहीं जानती। नहीं 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 नहीं, मैं छोडूंगा नहीं। I love happy houses. देखो ना कितने खुश लग रहे हैं दोनों। I'm sure जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं भी बहुत खुश रहूँगी। And Aryan, तुम, you know what? तुम मेरे फेवरेट बनने वाली हो। After all तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे जो हो। Hey, we are not friends anymore, Tanu. Oops. लगता है बात दिल पे लग गई। प्रज्ञा का इतना जादू कि तुमने मुझे अपनी दोस्त मानने से इनकार कर दिया। अरे तुम्हें याद है ना, वो तुम ही थी जो मेरे साथ मिलकर प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करती थी। और उस प्लानिंग की मास्टरमाइंड तुम ही हुआ करती थी। हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने जो कुछ भी सीखा है आलिया से तो सीखा है। देखो आलिया, तुम मुझे अपनी दोस्त मानो ना मानो, पर मैं तुम्हें अपनी दोस्त हमेशा मानती रहूंगी। And it's not too late. तुम चाहो तो हम अभी भी एक टीम में काम कर सकते हैं। Are you crazy? या खुली आंखों से सपना देख रही हो तनु? हम दोनों friends थे, पर तब थे जब मुझे लगा कि तुम मेरे भाई को खुश रख सकोगी। लेकिन तुम इतनी selfish हो कि तुम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती हो तनु। मेरे भाई को झूठे रेप केस में फंसा कर सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साइड होंगी। My dear तनु, तुम पहले से भी ज्यादा बेवकूफ हो गई हो जो ऐसा सोच रही है कि I'll be With you. मैं तुम्हारे साइड नहीं हूँ, मैं अपने भाई के साइड हूँ और उनकी बीवी प्रज्ञा के साइड हूँ। सोच समझ कर जवाब दो आलिया, अगर तुम आज भी मेरा साथ देती हो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। अभी का बिजनेस आई प्रॉमिस आई विल गेट यू दैट। ओके, कोई बात नहीं, मैं अकेले इस घर से प्रज्ञा को बाहर निकाल के रहूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सी यू गाइस। क्या दादी? हाँ, आपने अभी प्रज्ञा को कहीं देखा है क्या? नहीं तो कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर है। हो सकता है कि वो वैसे ही अभी प्रज्ञा के पीछे गया क्यों? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? और प्रज्ञा वो यहाँ से ऐसे क्यों गई जैसे उसे कोई ऑब्जेक्शन हो? ये तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आपने पूरी मीडिया के सामने हमारा रोका किया, तो उसे कोई हक नहीं है। उसने आपको इस तरीके से घर में नहीं आने देना चाहिए था। क्या तनु, तेरी याददाश्त भी खराब हो गई। तूने तो बुलाया था प्रज्ञा को मिलने के लिए। यू आर राइट दादी, लेकिन क्या है ना कि आपको मुझे फोन करके मुझसे कन्फर्म करना चाहिए था कि मैंने सच में प्रज्ञा को यहाँ बुलाया है या नहीं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आई तो मैं लिविंग रूम में बैठी थी, लेकिन प्रज्ञा इस घर की ना होते हुए भी अंदर बैठी। ऐसा नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक बार ये शादी हो जाए ना, बस मैं तो कहती हूँ कि डाइवोर्स कराने की क्या जरूरत है, नू उस पे बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं तो कहती हूँ चट मंगनी और पट ब्याह करते हैं। दादी वो लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है, तो चट मंगनी और पट ब्याह कैसे हो सकता है? तेरी शादी कौन करा रहा है? मैं करा रही। और मैंने क्या कहा था कि हमारे जमाने में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ करा देते। उस वक्त की डिवोर्स वेवर्स कुछ नहीं था। अब इस घर की बड़ी कौन है? मैं हूँ ना। मैं तो कहती हूँ सीधा शादी करते हैं, बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी दादी, आप मेरी और प्रज्ञा की हिस्ट्री नहीं जानती। वो अपने मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जो कोई भी भगवान की ब्लेसिंग्स हो उसके ऊपर, लेकिन
सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वो हमेशा जीतती है, लेकिन इस बार मैं उसका ये सो कॉल्ड वाइफ पावर छीन लूंगी। तनु मेरी बात तो सुन। हॉल में चलते हैं दादी, वो दोनों वहीं आएंगे। What the hell, बूजी? Wow. आपने तनु आंटी से ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप उनका साथ देंगी? बूजी, all you have to do is just lie, pretend, that's it. ताकि आप तनु आंटी को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकती थे और फिर आप डैड की हेल्प कर सकती। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? प्रिया, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं तनु के साइड एक मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती। I'm so disgusted by her. And she was right, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने पहले तनु के साथ मिलकर बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी मॉम को इस घर से बाहर निकालूं, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। जबकि मैं देख रही हूँ प्रज्ञा इतना कुछ कर रही है मेरे भाई के लिए। मैं पहली बार कुछ अच्छा कर रही हूँ, सच के साथ हूँ, प्रज्ञा के साथ हूँ। तनु के साथ खड़े रहकर एक्टिंग भी नहीं कर सकती। पर गाइस, हम लोग तनु को रोकेंगे कैसे? वो एक के बाद एक स्मार्ट मूव चल रही है। देखिए, आई अग्री, तनु स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, पर उससे बहुत ज्यादा स्मार्ट प्रज्ञा आंटी। अगर प्रज्ञा आंटी चाहे ना तो वो अकेले तनु को हैंडल कर सकती है। शी इज ब्रिलियंट। आई नो वो आजकल थोड़ी सी लॉस्ट है, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे और बहुत जल्द निकालेंगे। लेकिन तब तक क्या? आई सीरियसली कांट टॉलरेट दैट लेडीज फेस। मी टू। कोर्ट केस के बारे में सोच रही है। भाई डिवोर्स नहीं देंगे और तनु पीछे नहीं हटने वाली। और अगर भाई डिवोर्स नहीं देंगे तो वो सारा गुस्सा कोर्ट में निकालेंगे। तो वी रियली नीड टू थिंक। Exactly. और अभी हमें वेट भी करना है, हमें देखना है कि चीफ क्या जवाब देते हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। आई थिंक हमें नीचे चल के पता लगाना चाहिए कि चल क्या रहा है। Let's go guys. कोर्ट जी, मुझे तो लगा था कि हम सब लोग मिलकर तनु को फंसा रहे, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया, उल्टा उसने हम सबको फंसा दिया एक ही दांव में। मुझे तो लगता है वो अभी और प्रज्ञा का डिवोर्स करा के मानेगी। कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने का। मुझे नहीं लगता कि अब कोई रास्ता बचा है। मुझे तो अब ये समझ में आ रहा है कि तनु पहले जैसी नहीं रही, उल्टा वो पहले से ज्यादा समझदार हो गई है। पहले उसे उल्लू बनाना आसान था, लेकिन अब नहीं, वो अब शातिर के साथ साथ समझदार भी हो गई है। मुझे तो लगता है कि अभी वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि अब तक प्रज्ञा ने हमेशा उसे हराया है। ये तनु के लिए आखिरी मौका है अभी को अपना बनाने का। What the hell is going on? पूरा घर देख लिया मैंने, लेकिन प्रज्ञा मुझे कहीं नहीं दिखाई और अभी भी इसके पीछे गया है। दादी, आप अभी से बात कीजिए, उसे समझाइए कि अभी की मेरे साथ शादी होने वाली है, तो उसे प्रज्ञा को डिवोर्स देना पड़ेगा। कल को प्रज्ञा ने अभी को नहीं छोड़ा तो, और अभी पे केस कर दिया तो, कि शादीशुदा होते हुए तुमने दोबारा शादी कैसे की? अब दादी आप सोचिए, एक केस सर से हटा के दूसरा केस सर पे लेना वो समझदारी की बात नहीं है, राइट? तो आप उससे बात कीजिए, नहीं तो अथॉरिटी से बात कीजिए, जिस तरीके से आपने रोके के वक्त बात की थी। तनु, तनु, अभी प्रज्ञा शादी का ड्रामा तो कर रहे हैं, कि वो दोनों अपनी डिवोर्स के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। भाई प्रज्ञा को डिवोर्स नहीं देंगे, वो तो ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे। अभी प्रज्ञा फुल सुनाने के मूड में है। इन्होंने अगर तनु को निकाल दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? कब बताओगे कि क्या सोचा? हम तैयार। मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से मान जाओगे आप लोग। आसानी से नहीं मान रहे, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? ये डिवोर्स मैं अपने लॉयर को कंसल्ट करके करूंगी, और क्योंकि इस काम में वक्त लगेगा तो कल तुम्हें डिवोर्स पेपर्स एंगेजमेंट के बाद मिलेंगे। ग्रेट, वैसे कोशिश अच्छी थी, पर मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मानने वाली। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले वाली तनु नहीं जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना दोगी। गुड फॉर यू, लेकिन मेरी शर्त है तो है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे रही हूँ, इतनी आसानी से नहीं दूँ। ये डिवोर्स मेरे लॉयर से कंसल्ट करके होगा। अगर शर्त मंजूर होना फोन करके बता देना, बार बार मिलने नहीं आऊंगी। मैं इस डिवोर्स के लिए तैयार नहीं था। मैं ये डिवोर्स ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से, क्योंकि वो मुझे अपने से दूर देख सकती है लेकिन जेल के अंदर नहीं। उस वादे की वजह से जो मैंने शादी कर लिए थे, तो करूंगा प्रज्ञा की खुशी के लिए करूंगा। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट यू। डिवोर्स होने वाला है लेकिन पति होने के अपने सारे फर्ज पूरे करोगे। आई होप जब हमारी शादी होगी तो तुम मेरे साथ भी अपने सारे फर्ज निभाओगे, मुझे प्यार करने का, मुझे खुश रखने का,